दोस्तों कैसे आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लाया खतरनाक वाला वीडियो। ये जो वीडियो आपके बहुत काम आने वाला, अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करते हो तो बहुत अच्छा होगा। तो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ मास्क के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ यार, 57% लोग मतलब सब्सक्राइब नहीं किए वीडियो को, मतलब फुकड़ में देख के जा रहे हो। भाई मेहनत करता हूँ मैं, आप तुम फुकड़ देख के जा रहे हो। एक सेकंड पहले सब्सक्राइब करो यार, कर लिए थैंक्स। तो अभी पूरा वीडियो ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है? चलो बाय। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जो मास्क होता है ना, मतलब आपको फुल प्रोटेक्शन 100% नहीं दे सकता। इवन N95 मास्क जो होता है वो 95% आपको जो वायरस और बैक्टीरिया उनको हटा देता है। बट ऑन द अदर हैंड ये ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो वायरस और बैक्टीरिया होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है, और आपका जो मास्क होता है ना उसमें मतलब बहुत सारे बारीक 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 पोर्स होते हैं। तो नॉर्मल मास्क जो होता है, यानी कि ऐसा वाला मास्क, ओके, इसका एक प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत लोगों ने मतलब मैंने नोटिस किया है कि लोग जो ना उसको नाक के नीचे से पहन लेते, पता नहीं क्यों ऐसा पहनते, मतलब शायद से गलती से कभी नीचे आ जाता है। तो बहुत से लोग ट्राई करते हैं ना टू ब्रीथ, बिकॉज ये थोड़ा हैवी होता है इसमें ब्रीथ करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड ये जो हमारा इसका रबर यहाँ पे है जो लगा हुआ, वो रबर जो है ना कभी कभी मतलब इरिटेटिव होता है, यानी कि थोड़ा यहाँ पे ना दर्द है, थोड़ा इसको निकाल लेता हूँ फिर ऐसा होता है। दूसरा जो मास्क होता है ये वाला, इसका तो थिकनेस देखिए कितना मोटा है यहाँ पे, तो ये आपको कान में जरूर मतलब तकलीफ देता ही है, तो ऐसे मास्क को तो अवॉइड कीजिए। दूसरी बात ये कि जो N95 मास्क है ऐसे सारे तो कभी कभी लूज हो जाते हैं, और बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम देते हैं मास्क में। तो आज मैं आपके लिए एकदम सिंपल सा मास्क, मतलब आप घर पे बैठ के बना सकते हो। इसमें आपको ना कैची लगेगी ना, आपको कोई स्टिचिंग की जरूरत है, बस आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है और आप अपने घर पे मास्क बना सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मास्क कैसे बनाए विथ टी शर्ट, ओके। तो आपको है ना मतलब इसके लिए ना कैची की जरूरत है ना स्टिचिंग की जरूरत है, आपको कोई चीज की जरूरत सिर्फ एक टी शर्ट की जरूरत है। जब आपका पुराना टी शर्ट होगा ना, देखिए मेरे पास ये जो है लूज पड़ा हुआ टी शर्ट है, एक ओ नेक वाला है, आप ओ नेक ले सकते हो, वी नेक ले सकते हो, लेकिन ऐसा बोलते हैं राउंडिश काइंड ऑफ होना चाहिए, वो कॉलर वाला नहीं होना चाहिए, ऐसे टाइप का होना चाहिए, ओके। ये टाइप का टी शर्ट, इसमें सर्कल हो कुछ भी हो, आप समझ गए। तो आपको बता दो इसमें करना क्या है। सबसे पहली चीज आपको ये मास्क बनाने के लिए इसको आपको पहनना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे पहनना आपको, ये पहन लिया आपने, ठीक है? अब इसके बाद आपको बेसिकली करना ये है, थोड़ा फनी लगेगा, तो आपको ये पहनने के बाद आपका हाथ जो है ना, ओके, वो मतलब खुला छोड़ना है। अब इसके बाद आपको ये यहाँ पे इतना लेना है, ठीक है? यहाँ तक ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ओके। अब ये जो हाथ है, ठीक है, ये जो हाथ है इसके पीछे गांठ बांधनी है आपको, बस इतना करना है। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये जो हाथ था इसका, ठीक है, ये हाथ को मैं यहाँ पे ऐसे गांठ बांध देता हूँ, ये गांठ बन चुकी है। तो दोस्तों अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा बचा है, ठीक है, और पीछे भी इसके हिस्सा बचा है। तो अभी आप एक चीज करना सिंपल सा, आप कर सकते हैं यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पीछे वाला हिस्सा है उसका हिस्सा लेके आइए, ओके, यहाँ पे रखिए, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी ऐसे लेके आइए, ठीक है? ये लाइन लेके आने के बाद, और एक छोटा सा बोलते ना, अगर हो सके तो छोटा सा गांठ बांध देना या फिर इसको कहीं पे अटका देना पीछे भी, तो इससे जो है ना आपका फुल अपना फेस जो है ना वो पूरा प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आपको एक सेकंड दिखाता हूँ जरा, यहाँ पे मेरे हाथ में गड़बड़ी हो रही है जरा। तो दोस्तों ये जो आपका मास्क पहना है मैंने, ओके, इसका बहुत फायदा है। फायदा नंबर वन ये है कि ये जो है ना अपने कान के बेस पे नहीं है, ओके। नॉर्मली जो आपका मास्क होता है वो कान के ऊपर ना बहुत इरिटेशन देता है, कान को बहुत स्ट्रेस और टेंशन देता है। स्ट्रेस और टेंशन मतलब ऐसा एग्जैक्ट स्ट्रेस एंड टेंशन नहीं, थोड़ा खिंचाव देता है बेसिकली, जिसका इरिटेशन होता है, तो यहाँ पे वो नहीं होने वाला। दूसरी बात ये है कि आपको ना ये बारिश होती है बेसिकली, अगर आपका छाता भूल जाता है तो आपके बाल गीले हो जाएंगे, तो ये आपको बारिश से भी बचाने मदद करता है, क्योंकि कपड़ा सूख लेता है। तीसरी बात ये है कि इसमें ब्रीदिंग थोड़ा अच्छा हो जाता है, मतलब अच्छा मतलब कैसा है कि आपको ये जो आपका कपड़ा है, ठीक है, जो आपने ऊपर से उठा और जो पहले आपको अपने इसको ऊपर लिया था, थोड़ा थिकनेस ज्यादा हो जाता है। बट इसमें कैसा होता है, जो बेसिकली नॉर्मल कपड़ा होता है मास्क का, ओके, वो ब्रीदेबल नहीं होता, बिकॉज ये जो कपड़ा है ना जो हम टी शर्ट पहनते हैं, इससे कैसा पसीना आ सकता है जा सकता है, तो ना देयर इज अ वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपीरेशन टाइप ऑफ थिंग, मतलब मैंने रिसर्च के पता नहीं पूरा तरह से सही है गलत है, बट आपको मेरा रिसर्च बताया इसके ऊपर। सो बेसिकली आप भी जब पहनते हैं तो आपको ब्रीदिंग करने में तकलीफ नहीं, ये बहुत कंफर्टेबल भी है। ऊपर से आप अगर कहीं आपको बोलते हैं ना कपड़े कहीं खराब हो जाते हैं, कुछ दाग वाग लग जाता है, तो आप ये कर सकते हैं, इसको पूरा खोल दीजिएगा ना, खोल दीजिए, ठीक है? खोलने के बाद आप इसे इस तरह ऐसा पहन भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी यार, प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, मेरे को बहुत जरूरत है सब्सक्राइबर्स की, सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, और बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो तब तक के लिए बाय, और नया वीडियो आपके लिए जल्द लाऊंगा। थैंक यू।